उसकी सूरत देखो ऐसा चुप चिका ऐसा उसके गाल देखो ऐसा दिल देखो ऐसा शर्माना देखो ऐसा इशारा देखो ऐसा पोस्ट देखो ऐसा चाल देखो ऐसा तीर देखो ऐसा नजरे देखो ऐसा चित्र रूपनीय नमः ओम हीं क्लीं चंड भैरवाय नमः ओम प्रणय ओम रक्तमां सवांचिनी ओम श्रवणाय नमः ओम स्मशान देतालिनीय नमः ओम कंकाल धारणीय नमः ओम क्लीं काल भैरवाय नमः चंडराज शादी के मंडप की ओर कदम बढ़ा रही कुमारी कन्या को 17वीं पूजा में लगने वाली बलि के लिए लाया हूँ चंडराज चंड भैरवी को पवित्र कुवारी कन्या की बलि चंड राक्ष को खीर का प्रसाद माता चंड भैरवी सिद्धि सिद्धानम भद्रम बलिदानम बलि 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 साकार कर लिया चंद्राक्ष साकार 17 वर्षों से 17 विशेष कन्याओं की बलि देकर 17वीं पूजा भी पूरी कर ली अब केवल एक बाकी है लेकिन वो सबसे कठिन है गुरुजी उस कठिनाई को भी मैं पार कर लूंगा चंद्राक्ष धीरे
18 शक्ति पीठों के सुरक्षा चक्र से बंदी बने असंख्य प्रेत आत्माओं को यदि तुमने मुक्ति दिला दी तो उनकी शक्ति भी तुम्हारी हो जाएगी। हिम्मत नहीं छोड़ना, यदि हिम्मत छोड़ दी तो 17 सालों की तुम्हारी कठोर तपस्या बेकार हो जाएगी। दोबारा पहली पूजा से शुरुआत करनी होगी, लेकिन 18वीं पूजा इतनी आसानी से नहीं करने देगा भगवान, विघ्न डालेगा वो। मैं भगवान पर ही भूत छोड़ दूंगा। तब इस शैतान साम्राज्य का अधिपति बनने वाला पहला मानव तू ही होगा चंद्राक्ष, दुष्टों का आराध्य बनेगा तू। रक्ताक्ष बाबा, तेरा पिता शैतान साम्राज्य का अधिपति बनने वाला है। रक्ताक्ष, बलिपीठ को ढूंढना है, शस्त्र लाओ। सत्रह सालों से संतुष्ट कर रहे चंड भैरवी के लिए वो निर्जीव क्षेत्र, प्रकृति को विकृति में बदलकर जहाँ शैतानी शक्तियां तांडव करते हुए रक्त से अपनी प्यास बुझा सके, ऐसा ही दुर्लभ स्थल चाहिए। वही बलिपीठ के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल होगा। ढूंढो घन चंड भैरवी कर्कश कटाक्ष संचलितम सुरम। माता चंड भैरवी शैतान साम्राज्य स्थापना का मार्ग दिखाने वाली है, तो वहां स्थापना करने वाला हूं मैं। ओम ही क्ली वायु विहंगाय नमः। महापर्वत श्रेणी घोरा नदी नद नदी समुद्र प्रांत चलितम सूलम। शत्रु विनाश रौद्र रुद्रात्मकं प्रकृति लयकर शूलम्। शुद्ध शत्रु विनाश रौद्र रुद्रात्मकं विकृति भीकर शूलम्। विकृति भीकर शूलम्। अहो मरुभयालंकां परिपीठं परिपीठं। अहो मरुभयालंकां परिपीठं परिपीठं। महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतो मुखम्। नमस्कार प्रेसिडेंट जी। नमस्ते प्रेसिडेंट जी। आने दीजिए प्रेसिडेंट जी। नमस्ते नमस्ते प्रेसिडेंट जी। जिंदाबाद प्रेसिडेंट जी। जिंदाबाद प्रेसिडेंट जी। ठहरो ठहरो ठहरो। हां पावर स्टार हेयर स्टाइल तिरुपति, तेरा हेयर स्टाइल तो बहुत अच्छा है। सर पे तो बाल ही नहीं है।
एक बात बता, कटिंग करने का कितना लेता है तू? और कितना? 30 रुपए। मैं तो 3000 लेता हूँ। बापरे, ये रिबन काटने के लिए भी पैसे लेते हैं क्या? अरे भाई, जिसको साड़ी पहननी नहीं आती है वो भी साड़ी की दुकान इनोग्रेट करती है। पूछो क्यों, वो सेलिब्रिटी है और मैं इस गांव का सेलिब्रिटी हूँ। तू भी मुफ्त में तो कट नहीं कर रहा है ना, फालतू के बाल काटने का 30 रुपए लेता है, रिबन इधर और 3000 उधर। इसको बुलाओ तो लफड़ा और ना बुलाओ तो लफड़ा। इसका मन बहुत साफ है और जेब हम साफ कर देंगे। प्रेसिडेंट जी, आप बहुत पहुंचे हुए आदमी हैं। क्यों? आप बैल से भी दूध निकाल लेते हैं। आप गांव वालों को मार रहे हैं और वो आपको मार रहा है, यहाँ लोगों से लूटना और वहाँ चढ़ा देना। मारने वाले को मरवाने का इंतजाम कर दिया है। वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा भाई। हमारे प्रेसिडेंट ने यही जगह बताई थी। वो हमारे प्रेसिडेंट को दिन में तारे दिखा रहा है। उसकी गाड़ी यहीं पर है, मतलब वो यही कहीं पर है। ए, छुपा छुपी छोड़ दे, दम है तुम्हारे सामने। आ कहाँ बे? क्या हुआ, मैंने फुटेज ज्यादा खा लिया क्या? हीरो बनना तो हर कोई चाहता है, मुझे भी थोड़ा इनकरेज कर दो। ए, क्या रहा है तो इनकरेज करो। रुको रुको रुको, लड़ने की इतनी क्या जल्दी है? हाँ, थोड़ा वार्म अप तो करने दो, पहले पकड़ लो, बाद में लड़ लेंगे, ठीक है ना? आ जा। ए, पकड़ो उसे। आजा, 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 पीछे पकड़ो। आ रहा है, पीछे पकड़ो। मजा आया। ये तो इंट्रोडक्शन है, इसलिए एंटरटेनिंग फाइट कर रहा था। आप लोगों को सीरियस फाइट चाहिए? ताटी कोंडा चिन्नारा। सर हमारा बैग। अरे चिन्नारा, ये न्याय है, हम इलेक्शन में खर्चा करके जीते हैं इसीलिए कलेक्शन कर रहे हैं। अच्छा, तो तुम जीत गए इसलिए कलेक्शन कर रहे हो? मेरा मामा हार गया तो वो क्या करेगा? उनका खर्चा भी तो वापस आना चाहिए। अरे तो क्या मुझसे छीन लोगे? और क्या, मेरी बीवी दुबई से घर बनाने के लिए पैसे भेजी, वो पैसे मैंने मुखिया के इलेक्शन में खर्च कर दिए और लोगों ने पैसे लेकर भी वोट नहीं दिया, और तुमने पीछे से धोखा दिया, इसीलिए दोनों से वसूल रहा हूँ। ऐसा है तो मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैं इस्तीफा दे दूंगा। ऐसा बोलते तो हो लेकिन देते नहीं इस्तीफा, क्योंकि वो तुम्हारा पेशा है। उस कुर्सी में ही ऐसा कुछ है। सर, कुर्सी में कुछ है ऐसा बोल रहे हैं, क्या है सर? वहाँ पर सुई है, बैठो तो घुस जाती है लेकिन फिर भी उठने का मन नहीं करता है, समझा क्या? क्या बोल रहे भांजे? भांजे, कलेक्शन तो अच्छा हो गया, मुझे ठप्पा लगाना है, चलो बाजार।
5G के दौर में पहुंची ये दुनिया, भागे है भैया तू जी लिया तो रहेगा पीछे। अरे ट्रेंडिंग में है दूसरों से आगे चलना, काम ऐसा करना जीते नहीं तो जाओगे नीचे। भाई सुन सुन भाई सुन बात सुन लो, अपनी किस्मत को अपडेट करते रहो। सुन भाई सुन बात सुन लो, रास्ता अपना खुद ही बनाते रहो। सुन भाई सुन बात सुन लो, अपनी किस्मत को अपडेट करते रहो। सुन भाई सुन बात सुन लो, रास्ता अपना खुद ही बनाते रहो। ललिता। हाँ दीदी। उन फूलों के साथ मालाएं भी अंदर रखना। जी दीदी। रमेश। हाँ माँ जी। ये गुलाब भी ले जाना। अरे सुनो। हाँ? सरभा को देखा क्या? उसे मामा के साथ घूमने के लिए मना करो माँ जी, बिगड़ जाएगा। ठीक है, इन फूलों को अलग रखो। सब लोग क्या सोचते हैं पता है माँ जी? गांव में 3 बंदर घूम रहे हैं। मामा हमें बंदर बोल रही है। मेरे से ठप्पा लगवा कर हर कोई मेरा ही मजाक उड़ाता है। मामा तुमने इसको भी ठप्पा लगा दिया? मेरी मूछ है, इतने साल हो गए अभी तक किसी को अंगूठा भी नहीं लगाया मैंने। केवल मोहर होने से हर कोई ठप्पा नहीं लगा सकता। अच्छा? जैसे कलम रखने वाला हर कोई दस्तखत नहीं कर सकता। ठीक है चलो अब। मामा मामा माँ तातेकोंडा मामा को देखा क्या? उनको मैंने कहा कहा नहीं ढूंढा, ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। मामा 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 बहना। हाँ? शर्मा को कहीं देखा क्या? उसे मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। शर्मा शर्मा ए शर्मा मामा शर्मा चाची आपने दोनों को देखा क्या? उन दोनों को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। पता नहीं कहाँ चले गए ये दोनों। शर्मा वाह, तुम लोग तो एक्टिंग करने में एक से बढ़कर एक हो। इतनी उम्र हो गई, इन बच्चों को सुधारने के बजाय तुम्हारे साथ साथ इन लोगों को भी बिगाड़ रहे हो, शर्म नहीं आती? कह लो, तुम भी कह लो, तुम नहीं तो और कौन कहेगा? बीवी दुबई में है, इसके हमको भुलाने के लिए इतनी इतनी पी ली। गांव के सब लोग आवारा शराबी बोल रहे हैं। घर गया तो उसकी याद आई, इसलिए यहाँ चला आया, और अब तुम भी वही बोल रही हो। छोड़ो, जब देखो एक ही ड्रामा। गुस्सा आ रहा है ना माँ? ठीक है मारो 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 ना। तुझे अगर मार सकती तो मैं रोती ही क्यों? जाओ जाके हाथ पैर धो, खाना लगाती हूँ। एक बार ही सही, तुम्हारे हाथों से मार खानी है माँ। इसलिए आवारा बनकर घूम रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं है ना? वही तो, पापा नहीं है ना पूछने के लिए। ओ,
मुझे खिलाओगे नहीं क्या? लो, इसमें तो कोई कमी नहीं है। क्या भांजे, पहला निवाला माँ के हाथ से ही खाना है क्या? सबसे पहले माँ ने खिलाया ना, आदत सी पड़ गई मामा। ए, तू जिससे शादी करेगा उसको बहुत खुश रखेगा। कहाँ होगी वो लड़की? दिव्या, क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं डैडी। मेरी बेटी को बचाने का रास्ता दिखाओ भगवान। ऐसे कैसे छोड़ दो? तो स्कूल जाने वाली बच्ची है क्या? तेरे सर पर भूत सवार है मामा, और जोर से पकड़ो। छोड़ दिया ना तो ये हमारी क्लास ले लेगी। दिख रहा है, जिस आत्मा की इच्छा पूरी हो जाती है वो परमात्मा में मिल जाती है, जिसकी नहीं होती वो प्रेतात्मा बन जाती है। आत्मा आत्मा कुछ भी नहीं है, घर का काम ना करना पड़े इसलिए नाटक कर रही है। इधर आओ। क्या है? मेरा हाथ पकड़ो, अब देखो। जब जिंदा थी दर्द सहती रही, अब जो जिंदा है उसे क्यों दर्द दे रही हो? किसी दूसरी औरत का दर्द तुम्हारा दर्द नहीं है क्या? चली जाओ। नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। परिक्रमा करवाओ, अब डरने की कोई बात नहीं। स्वामी, ऐसे काम के लिए शरभा को क्यों चुना, यही सोच रही हो ना? ये बात तुम जब भी पूछती हो मैं हमेशा यही बोलता हूं, भगवान सबका है लेकिन शरभा के लिए खास है। आत्माओं, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? जब भी मैं आता हूँ या मेरे साथ कोई और आता है तब भी डिस्टर्ब होते हो। नहीं तो आपको डिस्टर्ब करने की हिम्मत किसमें है? आप मोक्ष मिलने तक गुरुदेव के संरक्षण में हैप्पीली मिलजुल के रहो, झगड़ना नहीं, बिना किसी को तकलीफ दिए एक फैमिली की तरह साथ में रहो। ओके, बाय आत्मा। इस बार ब्रह्मोत्सव ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, भव्य होना चाहिए।
सेंट्रल मिनिस्टर की बेटी दिव्या गुच्चीपुड़ी सीखी है। सर, गुच्चीपुड़ी नहीं सर, कुच्चीपुड़ी। अरे मुझे पता है, कल के उत्सव में कुच्चीपुड़ी डांस का मैंने फर्स्ट प्रोग्राम रखा है। आप में से किसी को कोई एतराज? हाँ, हमको है। कौन बोला ये? अरे फंस गए क्या भाई? जैसे बादल के पीछे बिजली, वैसे तुम लोग मेरे पीछे पड़ गए हो। अरे अब तो छोड़ दो। दूसरे गांव का मुखिया रंजनपुर की चमेली का मस्त डांस करवा रहा है। उसके बगल का मुखिया भीगी भीगी तितली, प्यासी प्यासी जवानी, ऐसे मजेदार नाटक करवा रहा है। पता है गांव वाले क्या चाहते हैं, इसकी तुमको परवाह नहीं है? ये सब क्लासिकल डांस हमको नहीं जमेगा, कोई मस्त डांस करवाओ। अरे ऐसे कपड़े उतार के डांस वांस जब तक मैं प्रेसिडेंट हूँ बिल्कुल होने नहीं दूंगा। ए पत्ते के टुकड़े, हमको मना करके तुम कुच्चीपुड़ी डांस कैसे करवाते हो? हम देख लेंगे। मैं इस बूढ़े बाबा के बचे हुए एक लौते दांत की कसम खाकर कहता हूँ, ऑर्केस्ट्रा डांस हो के रहेगा। अरे वो देखा जाएगा, अभी यहाँ से खिसको। इस तरह की सोच ऐसे ही नहीं आती, लगता है कोई दुष्ट आत्मा गांव के पास आ गई है। चिते दम 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 नागिनी प्रभूषिते चम 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 चंद्र भैरवी श्रुते महादंष्ट भक्ते महाक्रूर शस्त्रे महाप्राणी संहारति भाग्य पूज्ये महाभक्त रक्ते महायुक्ति युक्ते महाचंडिरे चंद्र भैरवी आशीर्वाद से प्राप्त हुई शक्ति के द्वारा तुम जो चाहे कर सकते हो, लेकिन तेरे बाबा का रुका हुआ संकल्प पूरा करना है तो 18वीं बलि पूजा तुम्हें करनी ही होगी। त्रयोदशी शुक्रवार की पहली घड़ी मीन राशि रेवती नक्षत्र द्वितीय पद के द्वितीय विघड़ी में पैदा हुई, विशेष कन्या की बलि चाहिए। बलि पूजा के पहले आत्मा को तैयार रखना है ना? आत्मा मिलने से पहले बलि कन्या को ढूंढना है, पहले उसे ढूंढो। मिधि मिधि मैं हूँ मृत्युवा इष्ट प्रेताया क्रूरा इंकुबी अक्षरी चारों दिशाओं में जाओ, बलि पूजा के लिए बलि कन्या को पकड़ के ले आओ। आत्मा को मैं लेके आऊंगा, मिधि मिधि मैं हूँ मृत्युआ। हेलो माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग, अब हमारा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। It's
फंक्शन से आपको एमएलए की कुर्सी तो मिल ही जाएगी। ये हुई ना बात, बस मेरा ख्याल रखना। हाँ ठीक है। काट खाए जो सुगना है गुजरिया तोता, और खुल के निखरेगी ये सूरतिया। काट खाए जो सुगना वो गुजरिया, और खुल के निखरेगी ये सूरतिया। काट खाए जो सुगना। अरे रुको रुको, उस तरफ मत जाओ, ये कुचिपुड़ी डांस है, अपना संस्कारी डांस, अच्छा लगेगा। इधर आ, वापस आ जाएंगे, तुम परेशान मत होना। बेटी हो ना, गुस्सा मत होना बेटी। ए बेटी, तुम्हारे पापा भी गुस्सा हो जाएंगे, पता नहीं दिल्ली से क्या कर डालेंगे। ये क्या सर, हम डांस करें तो गुनाह, दिल्ली वाले डांस करें तो आर्ट। ऑर्केस्ट्रा पर नाचना आर्ट नहीं है क्या? आर्ट का गला दबाना किसी के बस की बात नहीं। लाठियों से, बंदूकों से कलाकार डर जाए, इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। फांसी पर चढ़ाओगे, मार डालोगे, चला दोगे तो मार डालो ना। डालेंगे। अरे भले ही तुम्हारा मेन आदमी मिस हो गया हो, लेकिन तुम लोग तो हाथ लग गए हो ना। तुम लोगों ने सेंट्रल मिनिस्टर की बेटी से पंगा लिया है, अच्छा मौका हाथ लगा है। अच्छा सुनो, तुम लोगों को मारे बिना मारने की तैयारी कर दी है, जरा एक बार पीछे मुड़कर देखो। चल जाओ अंदर। ये हम नहीं मानेंगे, मारने का हक सिर्फ पुलिस को ही है। ना ना ना, पुलिस आएगी तो हल्ला होगा ना, और इनसे सिर्फ मार पड़ेगी। दरवाजा बंद करो। ओके सर। इतनी बेइज्जती होने के बाद गांव में सर उठा के नहीं चल सकता, मैं मरने जा रहा हूँ। जब पंगा मंत्री की बेटी से हुआ तो ये जानने के बाद मेरी तरह फरार हो जाना चाहिए था। पकड़े गए, धुलाई हुई, अब आत्महत्या करने से इज्जत लौटाएगी क्या? मर्द पैदा हुए हो, हिम्मत बदला होना चाहिए ना? होना चाहिए, उस दिल्ली वाली को छोड़ेंगे नहीं। जाओ मंदिर घूम के आ जाओ। ओके डैडी। गुरुदेव, रात में बेटी को अजीब अजीब सपनों से डरते हुए देखकर मन दहल उठता है, लेकिन सुबह ऐसे रहती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई बीमारी नहीं बताता। डांस प्रोग्राम सुनते ही मैं इसीलिए तुरंत मान गया कि आप एक बार बेटी को देखकर कोई तो उपाय जरूर बताएंगे। लेकिन बेटी को देखने के बाद जब आपने कुंडली मांगी तो डरकर मैं खुद ही लेकर आ गया। लाओ सर, ये मेरी बेटी की कुंडली। दुष्ट शक्तियों की आंखों को आकर्षित करे ऐसी एक विलक्षण जन्म कुंडली है। चारों दिशाओं में से किसी भी दिशा से पुत्री का प्राणघाती योग बन सकता है। अब तक आपने हर मौके पर मुझे सलाह दी है, आपके आशीर्वाद से ही मैं यहां तक पहुंचा हूं। मेरे पास पैसा, पावर, शोहरत सब कुछ है, लेकिन आपके अलावा उसे कोई नहीं बचा सकता। इसी भरोसे से मैं आपके पास आया हूं गुरुदेव, मेरी बेटी को बचा लीजिए। घबराओ मत, जब तक संकट टल न जाए तब तक उसे यही रहने दो, उसके लिए शांति पूजा करेंगे। मैं करोड़पति बोल के जब तक तू जिंदा था बहुत उछल लिया, अब क्या हुआ? तेरे करोड़ों घर में है, घर वाले बंटवारे में लगे हुए हैं और तू यहाँ चिता पर है।
जब जिंदा था तो खाया नहीं, बीपी बढ़ जाएगा, चर्बी चढ़ जाएगी, इसलिए तेल छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मर तो गया ना। अभी भी अकड़ रहा है। बड़ा ही जिद्दी इंसान है, चिता पर भी मार खाए बिना नहीं सोएगा। लाश के पास मूंगफली ढूंढ के खाता हूँ, मुझे क्या डर है, मुझे क्या डर है। कौन है रे? भूतनादाय स्वाहा। कौन है उधर? मम सर्व सिद्धि देही, चित्र कार्य हानि करे, मंत्र वश्य करे, मम कार्य सिद्धि करे, उद्वेग विध्वंस करे, असाध्य सिद्धि करे, शत्रुनाशनम करे, कराळिनी स्वाहा, कपालिनी स्वाहा, भग भग महाभगे अहो भगे, ओम धूम धूमामती, स्मारय ज्वाल ज्वाल प्रज्वल, यम यम। कौन हो तुम? धूम्र लोचना उग्र रूपिणी, सकल रक्त काटेरी, रम रम रम, यम यम यम। मम शरीर रक्षिणी, भूत प्रेत पिशाच गण आवाहयामि, आवाहयामि। दिव्या आंटी। दिव्या, जैसे नाम वैसे ही दिव्य हो। थैंक यू आंटी। तुम्हारे घर जैसी सुविधाएं यहाँ नहीं हो सकती। आंटी, पुजारी जी ने मुझे आपके घर में रहने के लिए क्यों कहा? आपको देखकर ही पता चला। आपका ये घर मुझे बहुत पसंद आया है आंटी। इसे अपना ही घर समझो। नहीं, ये मेरा घर है। ठीक है, आओ ना। ये मेरा बेटा है शर्मा। नरसिम्हा स्वामी का आशीर्वाद, इसलिए उनका नाम रख दिया। घर में आए मेहमान से क्या परिचय करवाना, हम इनकी देखभाल कर लेंगे, तुम जाओ बहन। इनके बारे में बताया नहीं, बहुत 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 अच्छे हैं। गांव में कोई बेकार है तो यही है। इतना हंसने की जरूरत नहीं, इस गांव में अच्छाई किसी काम की नहीं है, समझी तुम? क्या क्या किया था? बैट से पिटवाया मामा? पिंजरे में भूत के जैसे तुम पकड़ी गई, अब कल से तुमको पता चलेगा। क्या करोगे तुम? हाँ बताते हैं, प्लान्स बहुत सारे हैं, एक एक करके छोड़ेंगे। आने दो, रिवर्स में भेजती हूँ सबको। यस।
टॉर्चर की हो गए शुरू, देखो जंगरे टाइगर हिरनी पानी पिए कैसे एक संगरे, सांप और नेवले के लड़ने का निराला ढंग, बड़े बड़े सुरमा दिख के इनको है दंग दे, बिना बम बंदूक का पर है हाथों में ना कोई हथियार है रे, बड़े डायलॉग भी ना कोई मारे, ये जंग कौन जीतेगा रे। टॉम एंड जेरी की हो गए शुरू, देखो जंग रे टाइगर हिरनी पानी पिए कैसे एक संग रे। चुप, घर में लड़की है, पी के आने के लिए मना किया था कि नहीं? हमने नहीं पिया चाची। आप लोगों ने पी है कि नहीं ये बताइए। हेलो हेलो मामा, ये फोन नहीं है। अरे वो बीच रोड पर आधी रात को पुलिस अपने को रुकवा कर फोन बना दिए ना, वही है। लो फूको फूको। पीछे मत खींचो, फूको। आंटी मामा, मामा रीडिंग नहीं आ रही है, तो आप लोगों ने नहीं पिया? रीडिंग नहीं आ रही है, ला देखो। ये तो काम ही नहीं कर रही है, हमने तो पूरी बोतल पी रखी है, हम पे तो कर रही है, इसमें नहीं कर रही है। नहीं करेगी, ये डुप्लीकेट है। दीदी दीदी, तुमने दीदी कहा तभी समझ गए कितने पी रखे हो। दिव्या चलो आओ मेरे साथ। जुबान फिसल गई, जुबान फिसल गई। क्या किया मामा? निकम्मे, बेहतर, नालायक, चाहे गवार। अगर ये उठ गई तो अपनी बैंड बज जाएगी, चलो चलो। इन आत्माओं के डर से ये चुड़ैल कल ही दिल्ली भाग जाए। बेटी तुम्हें भूतों के पेड़ के नीचे कौन ले गया था? आप किसी से मत डरिए मैडम जी, प्रेसिडेंट जी है ना, ये सब संभाल लेंगे। मुझे कोई लेकर नहीं गया था, नहीं हो ना, गांव घूमकर देखना था तो मैं ही वहां चली गई। वो तो ठीक है बेटी, लेकिन ये खटिया उस पर तुम वहां पर आप जा सकते हैं। आप प्रेस कीजिए मैडम जी, आइए सर, आइए। दिव्या की कुंडली में प्राणघाती योगेश शर्मा, उसकी रक्षा करोगे ये सोचकर उसे तुम्हारे घर रखा, और तुमने ऐसा नहीं है गुरुदेव, जो होना था वो हो गया। जब तक दिव्या का संकट टल नहीं जाता जरा संभल कर। नरसिम्हा रक्षा कवचम रक्षणम रक्ष रक्षा, ये रक्षा सूत्र उसके हाथ पे बांध देना।
डर की खत्म हुई देखो जंग रे टाइगर हिरनी कथा में हाथ चले एक संग रे सांप और नेवले ने सीखा है प्यार का ढंग रे ला 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 मजनू देख के इनको है दंग रे बंदूक से फूल बरसते हैं दिल प्यार से ही धड़कते हैं बदला बदला सा ये मौसम है रंग नए नए सजते हैं शर्मा वो नहीं ये है मर्दानगी बदला अब खुद ही उसके झांसे में आ गया इस लड़की को हमें रास्ते से हटाना होगा बस इसमें जरूर कोई चाल है मेरी आंखें मुझे धोखा दे सकती है लेकिन मेरा भांजा मुझे धोखा नहीं दे सकता है ए, बोलो। अभी साबित करके दिखाता हूँ भांजे भारी सो जाओ मामा अब तो समझ गए ना आप उसने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया सारे नौकर घर जा चुके माँ को अस्पताल छोड़ा हुआ यहाँ ये दोनों जवानी पर और तुम्हारे आंखों पर पर्दा है ये सब क्या हो रहा है मामा मुसीबत आने वाली है मैं भांजे को देवदास की तरह सड़क पर पागलों की तरह ऐसे भटकने नहीं दूंगा एक लड़की की वजह से भांजे की जिंदगी को जहन्नुम बनने नहीं दूंगा बेसिकली मैं विलेन हूं बस चेंज के लिए कॉमेडी कर रहा हूं लेकिन अंदर से ओरिजिनल ऐसा ही हूं मैं मेरे अंदर सोए हुए विलेन को जगा दिया अगर मेरा भांजा मुझे वापस चाहिए तो उस दिल्ली वाले को यहाँ नहीं रहना चाहिए इस दुनिया में ही नहीं रहनी चाहिए मामा, उस दिन ऑर्केस्ट्रा डांस पर ही डंडे पड़वा दिए थे अब तुम मर्डर प्लानिंग कर रहे हो तब तो जिंदा जला देंगे वो लोग अबे गधे बॉस और चेले में यही तो फर्क है हम प्लान करेंगे मौत को उसके करीब ले जाएंगे वो मिट्टी में मिल जाएगी लेकिन वो मिट्टी हमारे हाथों में नहीं लगेगी मामा सुपर प्लान है मामा मुहूर्त कब का है कनिष्का बहुत ही खतरनाक सांप है कनिष्का की लहराती चाल देखकर अनुष्का और तमन्ना की याद आ रही है सांप के काटने से दिल्ली वाली की मौत कल ऐसा पेपर में छपेगा फिर हमारा शर्मा हमारे पास वापस आ जाएगा नींद में बेहोश दिल्ली वाली को ये सांप दिल्ली वाली ने तो करवट ले ली और अब सांप को गुस्सा आ गया है टसने की जगह ये सांप वापस क्यों लौट रहा है अरे बाप रे सोचा था जाकर टैटू बनाएगा लेकिन ये तो टाटा करके आ रहा है चुप कर सांप कहाँ चला गया टारगेट से मिस हुआ मिसाइल की तरह कहाँ मिस हो गया चुप करो ना मामा जहाँ देखो वहां को जाना शुरू कर दे This is an interesting case. सांप का यहाँ डसना बहुत रेयर है ऐसे केसेस को बड़ी केयरफुली ट्रीट करना होगा इफ एनी मिस्टेक हैपेंस ही लूजेस नेक्स्ट जनरेशन सो तुम लोग जाकर नेक्स्ट बैच को भेज दो ओके मैडम हाँ बुलाओ ना कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज सभी को बुलाकर एजुकेटेड बनाओ थू इससे तो अच्छा होता कि मैं उस सांप के डसने से मर ही जाता इनको बैचेस में बुलाकर रिसर्च के नाम पर मेरी इज्जत नीलाम कर रहे हो ओए वाह पहले बता रहा हूँ अब और कोई आया ना तो उनको डस के मैं मार डालूंगा निकलो यहाँ से
कोई दूसरा प्लान बनाकर उस दिव्या को कैसे भगाता हूँ देखना। मामा जी, ये सब कैसे हो गया? वो ना एक साथ इसका बुरा समय चल रहा है ना। तुम यहाँ कैसे, बड़ी खुश नजर आ रही हो। आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। क्या, गांव छोड़कर जा रही हो? नहीं, अब मैं हमेशा के लिए आपके साथ इसी गांव में रहने वाली हूँ। वो मैं। हाँ तुम? आपके भांजे से। भांजे से? बोलना मत, प्यार करती हो। क्या बकवास कर रहा है, जो भूमि आया भग देगा क्या? क्या समझता है इन्हें, मिनिस्टर की बेटी है। मिनिस्टर की बेटी हो तो क्या, प्यार करने का हक नहीं है मुझे? मैं ना शर्मा से प्यार करती हूँ। और वो? पता नहीं, बस अभी उसको प्रपोज करने ही जा रही हूँ। मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए मामा जी। ब्लेसिंग्स चाहिए? ब्लेसिंग्स और मेरा तुमको। तुम्हारा टाइम अच्छा चल रहा है, अब तुम जाओ बेटी। सॉरी, फूटी किस्मत। मिली क्या मल्लिका ने? मिली क्या? कहाँ है? कहाँ? कहाँ? वो कहाँ है मैंने पता लगा लिया है, लेकिन एक देव शक्ति उसे बचा रही है। उसे यहाँ लाने के लिए मेरी शक्ति काफी नहीं थी, मुझे क्षमा कर दो रक्ताक्ष। तुमने बलिकन्या को ढूंढ निकाला, इतना बहुत है। एक लड़की को लाने के लिए मुझे मंत्र शक्ति की जरूरत नहीं है, लाऊंगा उस बलिकन्या को लेकर आऊंगा। की नाजायज औलाद लगता है। तू है क्या मृत्यु? मृत्यु के रास्ते में कभी मत आना। फूक मारी तो तेरी जान जाएगी, जान बचा के यहां से भाग जाओ। ओए, आग से खेलेगा इलाज हो जाएगा, लेकिन मेरे अंदर जो आग जल रही है उससे पंगा मत ले, वरना तेरी अस्थियां भी नहीं मिलेगी। भाग जा। कोबले! इसके लिए तो मैं अपनी जान दे भी सकता हूँ, और इसे किसी ने छुआ तो जान ले भी सकता हूँ।
पार्वती अम्मा, तुम अभी तक जिंदा हो? इतने सालों की तलाश आज पूरी हो गई। अगर तुम यहाँ हो तो मेरे बाबा भी यही कहीं होंगे। लेकर जाऊंगा, बाबा को लेकर जाऊंगा। तेरा बेटा है, ये तेरा बेटा है, इसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा, तुमको नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मार दूंगा, मार दूंगा, सबको मार दूंगा। मार दूंगा, सबको मार दूंगा। मृत्यु, मैं हूं मृत्यु। चक्र मेरे मनोनेत्र को भी नहीं दिखाई दे रही, ऐसी दुष्ट देव शक्ति को भी मैं तोड़ दूंगा बाबा। अब तक आपके नाम पे 17 बलि पूजा कर लिया, आपको इस सुरक्षा चक्र से निकालकर अंतिम बलि पूजा मैं आपसे ही करवाऊंगा बाबा। आपके आत्मा को मोक्ष ना मिले इसीलिए मैंने पिंडदान भी नहीं किया बाबा, लेकिन मैं आपका प्राण वापस दिला कर रहूंगा बाबा। बाबा सुन रहे हो ना, मेरी बात सुनाई दे रही है ना? तुमको इस स्थिति में लाने वाले किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये बाबा की आत्मा को एक बेटे का वचन है। दीदी मेरी, मैं हूं मृत्यु। कहां मां, अभी के अभी कहां जाएंगे? जब से मुझे याद है यही मेरा गांव है। मां अब मुझे पता चला ये गांव मेरा है, तुम्हारा नहीं। बताओ ना मां, कौन हो तुम? ये सवाल कोई भी किसी से भी पूछ सकता है, लेकिन मां से नहीं, मुझे पूछना होगा। बताओ। मैं मां हूं रे, ये काफी नहीं है? नहीं है, मुझे कोई जान से भी मार दे तो परवाह नहीं, लेकिन मेरी मां को मारने की धमकी दी? अगर स्वयं भगवान ने उसे भेजा होगा तो भी छोड़ूंगा नहीं। कौन था मां, कौन था वो पागल? बताओ मां, तुमसे ही पूछ रहा हूं। रे, जिस कोख से तू जन्मा है उसके सौगंध लेकर बोल रही हूं। ये एक शब्द भी और तुमने कहा या इसे वक्त तुम मेरे साथ नहीं आया तो मेरा मरा मुंह देखेगा। बहना, उम्र में बड़ा हूं इसलिए तुमने मुझे भैया बुलाया, लेकिन सर्वा के साथ साथ मुझे भी बेटे जैसा रखा। अब किसी और के डर से तुम हम सबको छोड़कर चली जाओगी तो मैं जाने नहीं दूंगा। भैया हमको जाना है, जाना ही पड़ेगा। कहां जाओगी पार्वती? कहीं भी, अपने बीते हुए कल से दूर जाना है मुझे। तुम्हारा बीता हुआ कल तुम ही हो, अपने आप से भागकर तुम कितनी दूर जाओगी? पहली बार जो डर मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था वही फिर से देख रहा हूं। यहां इतने सारे लोग तुम्हारे साथ हैं, इन सब को छोड़कर अकेली कहां जाओगी? आपको क्यों लगता है मैं अकेली हूं? मेरा बेटा है ना, मेरा डर और ताकत सब यही है।
दिव्या, जिस भरोसे से आपने इसे मेरे पास छोड़ा, उसी भरोसे से मैं इसे आपको सौंप रही हूं। जो ताकत आपने मुझे दी है, इसे दे दीजिए। किया है रूप धारण, पांव चल पड़े है बिना कारण, उलझने बड़ी है रस्ते है कठिन, वक्त ही करेगा संकटों का समाधान। एक तरफ है आंखें नम, एक तरफ है माँ को घम, कोई क्या समझे बंधनों से घिरा मन। होगा कोई जो सर पे तेरे रहेगा, बल देगा तुझको। होगा तेज बारिश की वजह से अब ये बस आगे नहीं जाएगी, आज रात यहीं पर रुकना होगा। उतरिए। देखिए, लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। हम इस गांव में नए हैं, क्षमा कीजिए। चलिए। जानने के लिए तुम तड़प रहे हो, पर क्या होने वाला है ये सोचकर मुझे डर लग रहा है, और ये डर 25 साल पहले शुरू हुआ था। भगवान की कृपा से खुशहाल था हमारा गांव, पर अचानक सब बर्बाद हो गया। सूखे की वजह से मरने वालों के बारे में सुना था, एक वक्त की रोटी ना जुटा पाने वालों के बारे में सुना था, लेकिन हमारे गांव की समस्या तो कुछ और थी। काला साया पड़ गया, पालतू जानवर वहशी होकर इंसानों का शिकार करने लगे। Oh, my God.
डर कब क्या हो जाए उसका डर। प्यास, खून चाहिए, खून चाहिए। भगवान, मौत की हमें आदत सी हो गई थी, डर के साए में जी रहे हम गांव वालों के लिए दिशा और हिम्मत थे। कार्तव रायडू, तुम्हारे पिता। हमारी इच्छा के विरुद्ध हो रही घटनाओं को देखकर डरना नहीं चाहिए, वो डर तुम्हारे अंदर के हिम्मत को मार देगा। ऐसे मौके पर ही हमें अपने मनोबल को मजबूत कर आगे बढ़ना चाहिए। अगर घर में कोई समस्या आए तो घर के बड़े उपाय करते हैं, गांव में कोई समस्या आए तो गांव के बड़े करते हैं, लेकिन सृष्टि पर समस्या आए तो उसका उपाय भगवान करेंगे। अगर सच्चाई के रास्ते चलें तो भगवान हमारे साथ चलते हैं और लक्ष्य को पाने तक वो हमारा साथ देते हैं। उनकी बातें गांव वालों की सांसें थी, कार्तव रायडू की अर्धांगिनी थी पार्वती माजी, उनके दाम्पत्य जीवन में बस एक ही कमी थी। जो सबका भला करता है ऐसा उत्तम पति भगवान ने मुझे दिया है, लेकिन आपको मैं एक वारिस भी नहीं दे पा रही हूं। बैठो। तुमने कहा ना कि भगवान ने तुम्हें अच्छा पति दिया है, फिर अगर तुम वारिस नहीं दे पा रही हो तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? कब किसको क्या देना है उसे सब पता है। पार्वती, क्या हुआ पार्वती? उग्र नरसिम्हा स्वामी सपने में। नरसिम्हा स्वामी तुम्हारे सपने में आए, हमेशा उनके ध्यान में मग्न रहती हो ना, इसीलिए भगवान सपने में आए। ये लो पानी पी लो। अब सो जाओ। जब समय बदलना हो तो भगवान को सपनों में नहीं आंखों के सामने आना चाहिए। उस नरसिम्हा स्वामी की कृपा से आपको बेटा होने वाला है, ये उनका ही प्रसाद है ऐसा समझकर शरभा ये नाम रखिए, वो लोगों का उद्धार करेगा। शरभा।
जो मेरे सपने में आई थी, नरसिम्हा, उग्र नरसिम्हा। हिरण्यकश्यप का संहार करने के लिए प्रह्लाद के द्वारा नरसिम्हा ने अवतार लिया था और अब गांव में हो रहे अत्याचार को रोककर दुष्ट शक्तियों का अंत करने के लिए तुम्हारे खेत में स्वयंभू प्रकट हुए हैं। उस मूर्ति की स्थापना करके मंदिर बनाओ। इस सृष्टि को बनाने वाले जगन्नाथ के लिए छत बनाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। ये तो संयोग है कि ये सौभाग्य मुझे मिला है। असुरों के संहार के लिए दशा अवतार लेने वाले ये भगवान अब जाकर इस काल में प्रकट हुए हैं, तो सोचिए उनके सामने आने वाली ये दुष्ट शक्तियां कितनी शक्तिशाली होंगी। इस संघर्ष में हमें प्राणों की भी आहुति देनी पड़ सकती है। शक्ति भले ही कितनी प्रबल हो, लेकिन है तो दुष्ट ना। सच्चाई की लड़ाई में आने वाली मौत भी जीवन के समान होती है। मुहूर्त निकालिए। माया ढोल की ढमक शहनाइयों की सरगम लाया। हे दिल की धड़कन है बजती नगाड़ों जैसी, पेंजनी की धुन लेके संग छम छम लाया। स्वामी आए मेरे द्वार, बरस रहा नैनों से है प्यार। कौन जैसे अनुधार, हमारे प्रभु है दयावतार। स्वामी जब आए निकल जाए चमकता सूरज, निकल जाए चमकता सूरज भी दिख जाए। Hey!
क्षेत्र है, बलि पूजा के लिए चुना गया स्थल। यहाँ मेरे शत्रु भगवान का मंदिर बनाओगे, मर जाओगे। मौत की हमें आदत हो गई है, तेरी मौत लिखी है, इसीलिए भगवान तुझे यहाँ खींच ले आए। तेरी समाधि बनाने के बाद ही हम मंदिर बनाएंगे। करो तुम चली जाओ, हमारे बेटे को संभालना, उसे मरने से बचा लो। जाओ यहां से। प्राण देकर हम सभी को बचा लिया, तब से तुम्हारे पिता को हम सभी गांव वालों ने दिल में बसा रखा है, लेकिन हमारी खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक पाई, फिर से हालात पहले जैसे हो गए। वही मौत, वही डर, अब हमें बचाने के लिए तुम्हारे पिता भी नहीं रहे, पर भरोसा था कि उनका खून कहीं ना कहीं जिंदा होगा और ढूंढने निकल पड़ा। माँ जी और तुम्हें देखा तो मेरा भरोसा यकीन में बदल गया, लेकिन माँ जी तो भाग गई। दिना रहना, माँ जी भाग गई। अपने बेटे के लिए एक माँ भाग गई थी, और उनकी तरह मैंने अपने बेटे को मायके में जन्म नहीं दिया। मेरा बेटा
एक अनाथ के जैसा पैदा हुआ। हे पार्वती, शैतान साम्राज्य का अधिपति बनने वाले को प्रेत बना दिया। सबसे पहले तुम्हारे अंदर के मन को मार डालूंगा, उसके बाद तुम्हें मार डालूंगा। सकल भूत निवारण सर्व मंत्र आकर्षण देवता श्री हेम श्री हेम ओम नमो नरसिंहाय ओम नमो नरसिंहाय। से कई प्रेतात्माओं को बंदी बनाया है, लेकिन प्रतिशोध में ऐसी जिद्दी प्रेतात्मा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। दिखने में किसी बड़े घर की बहू लगती हो। बोलो कौन हो तुम? मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूं। नाड़ी कटने से पहले तुम्हारी जान बचाई है तुम्हारे बेटे ने, तो फिर तुम अकेली कैसे हुई? तब मैं कार्तव रायडू की पत्नी थी, अब मैं उनके बेटे की माँ हूं। यही मेरा जीवन है और इस जीवन को उस गांव को बलि नहीं दे सकती। नारायण चले जाओ, नारायण चले जाओ, चले जाओ, हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ। रुकिए, गांव के लिए मंदिर बनाने में पापा ने अपनी जान दे दी, उनके बारे में सुनकर ही मेरा खून खौल रहा है। आपने तो उनके साथ जीवन बिताया है, आपको कैसा लगना चाहिए माँ? भले ही कोशिशें नाकाम हो जाए, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अब तक तुमने माँ के लाडले बेटे को देखा है,
लेकिन अब एक बहादुर पिता के बेटे को देखोगी। अगर हम सच्चाई के रास्ते चले तो भगवान हमारे साथ चलते हैं और लक्ष्य को पाने तक वो हमारा साथ देते हैं। देखो दिव्या, तुम्हारी जान को खतरा है ये जानने के बाद भी तुम्हें इतना दुखी नहीं देखा, लेकिन भांजे के जाने के बाद से तुमको हमेशा दुखी देख रहा हूं। प्यार सिर्फ प्यार करने वालों को ही नहीं, आसपास के लोगों को भी बदल देता है। तुम्हारे प्यार ने हमें भी बदल दिया है। हां बेटा, तुम्हारा प्यार महान है। शर्भा आएगा और तुम्हारी शादी जरूर होगी। मैं ढूंढूं कहां साथी मेरा, रहे जो सदा बन के यहाँ हम साया मेरा, जो ना हो जुदा ले आएगी यहाँ उसको ये मेरी वफा। मैं आऊंगा हर जगह, होगी जहाँ हमें साया हो तेरा, मुझ में समा। किस बात का सारी दुनिया मिलके भी सामने आई तू, तेरे बाजू ही करेंगे मेरी रक्षणा। मैं आऊंगा हर जगह, होगी जहां मैं साया तू तेरा, मुझ में समा। उस अधूरे मूर्ति स्थापना को पूरा करने के लिए मैली हो गई प्रतिमा को शुद्ध करके स्थापित करना होगा। तो बताइए गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? उत्तर दिशा में कैलाश पर्वत से गंगा उत्पन्न होती है। उस शिखर तक पहुंचकर आकाश से बरसने वाली गंगा को मूर्ति स्थापना से पहले लेकर आना होगा। उस आकाश गंगा को मूर्ति पर चढ़ाकर शुद्ध करना होगा। नारायण गुरुदेव, ग्रहों की दिशाओं को देखते हुए रक्ताक्ष के 18वीं बलि पूजा का समय भी नजदीक आ रहा है। शर्भा के लौटने से पहले हमें विष्णुपुर जाना होगा। ठीक है स्वामी। गुरुजी, बाबा की मूर्ति, बाबा
इतने सालों की इस अंधेरी कैद से मैं आपको मुक्त करवा दूंगा बाबा। पंच दुष्ट शक्तियों का बंधन बना के मैंने आपको बचाया था। आपके संकल्प को मैं पूरा करूंगा बाबा। अपने बाबा को मैं जीवित करूंगा, उनके संकल्प को मैं पूरा करूंगा, पूरा करूंगा, पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा बाबा, मैं पूरा करूंगा बाबा, मैं पूरा करूंगा बाबा, मैं पूरा करूंगा। इनको भी बाबा के आत्मा को लेकर आना होगा। आत्म सुरक्षा चक्र में है, उसे तोड़ना होगा। मैंने जैसा बोला वैसा करो। वहां क्यों रुक गई? जाओ दिव्या, जाओ। हे दिव्या, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो शर्मा कहाँ है? एक हैप्पी न्यूज देनी है। मामी दुबई से आ रही है। मामी दुबई से आ रही है ये सुनकर वो बहुत खुश होगा। अच्छा भाजा है कहाँ? वो कहाँ पर है? अरे तुम भी उसे ढूंढ रही हो? आओ चलो दोनों साथ में ढूंढते हैं। बैठो। अरे बैठो भी। नहीं मैं ही ढूंढ लूंगी। सोच क्या रही हो? इस समय भांजा कहाँ होगा मैं जानता हूँ। स्कूल के आसपास ही होगा। मैं बदल गया हूँ ये जानकर तुम्हारी मामी का भी मन बदल गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें देखेगी तो अपनी बेटी। इधर किधर जा रहे हो? शर्मा यहीं मिलेगा। स्कूल के आसपास होगा बोला था ना? जल्दबाजी में बोल दिया था। रोको रोको रोको। सुनाई नहीं दे रहा क्या? बुला रहा हूँ कब से? वहाँ क्या कर रही हो? अब यहाँ मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूँ, तुम्हारे लिए। मैं यहाँ मिलूंगा ये तुम्हें किसने बोला? किसने बोला? किसने बोला मुझे? मामा जी, मामा जी ने बोला। मामा ने बोला? किधर है? वो जा रहे हैं। कहाँ? पता नहीं, ऊपर तक जाने की बात कर रहे थे। ठीक है आओ चलते। आती हूँ मैं। शर्भा, मुझे आत्माओं के पेड़ के पास ले चलो ना। अभी क्यों? ये टाइम नहीं जा सकते? नो। तुम तो हो ना, तो कभी भी जा सकती हूँ। लेकिन जाना क्यों है? वो मेरी अंगूठी गिर गई थी ना वहाँ, उसी को ढूंढने जाना है। वहाँ कब गिरी? वहाँ जब तुम मुझे छोड़कर आ गए थे ना, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो कल चले जाएंगे। लेकिन कल कब? सुबह होते चले जाओगे, लौटने में देर होगी। माँ की अंगूठी थी वो, उसमें अपनी माँ दिखती है मुझे। थोड़ा समझो ना शर्भा, प्लीज 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 लेकर चलो ना प्लीज। अफो जिद्दी, ठीक है चलो। देखो तुम्हारी अंगूठी के लिए कितनी आत्माएं पहरा दे रही है। तुम्हें अपनी
माँ की अंगूठी से बहुत लगाव है ना? फिक्र मत करो, यहाँ कोई नहीं आता, तुम्हारी अंगूठी मिल जाएगी। आ, आ, क्या हुआ? अम्मा, आ, क्या हुआ तुम्हें? कांटा चुभ गया। अरे यार, चप्पल क्यों नहीं पहनी? ध्यान रखना चाहिए था ना? ध्यान तो मेरा तुम पर ही था ना, इसलिए चुभ गया। ठीक है, उठो अब। मुझे उठा के ले चलो। पेन होगा लेकिन चल तो सकती हो। प्रेम है तो उठा भी सकते हो, जब चांस मिल रहा हो तो उसे यूज कर लेना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। लगता है ये कांटा भी मेरे ही फायदे के लिए चुभा है ना, तो फिर उठा लो। ठीक है। हो क्या? आत्माओं का पेड़ है ना, तो भूतनी चढ़ गई है। सच में ऐसे ही लग रहा है। सही पहचाना तुमने, सच में कोई मामूली भूतनी नहीं, इनको भी भूतनी। ए, इनको भी, मैं शराबा, एक मुक्का पड़ा ना सीधा पिंजरे में कैद हो जाओगी। अरे मैं तो डर गई। एक्टिंग अच्छी कर लेती हो, अंगूठी ढूंढो। दूरिनी प्रेरिनी बेताल कामिनी आवाहया चंड बेतालिनी स्वाहा प्रचंड भैरवाये स्वाहा। मामा को मार दिया है। इतने सालों से प्रतिशोध में डूबी चंद्राक्ष की आत्मा यदि अपने शरीर में प्रवेश कर गई तो तुम्हारी मां और तुम्हारे लिए प्राणघाती है। उसके शव ने जीवित होकर आखिरी यज्ञ कर लिया तो सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा, ये दुनिया शैतानों के वश में हो जाएगी। हमें क्या करना होगा? मरने वाले हर एक शरीर का उसकी आत्मा से एक अदृश्य बंधन होता है, अगर उस बंधन को तोड़ दो तो ये आत्मा उस शरीर में दोबारा प्रवेश नहीं कर पाएगी। आत्म बंधना रक्ष रक्ष, आकाश बंधना रक्ष रक्ष, भू बंधना रक्ष रक्ष। जलबंधना रक्ष रक्ष, वायुबंधना रक्ष रक्ष, सर्वभूत सर्वग्रह आकर्षया। अग्निबंधना रक्ष रक्ष, दुष्टग्रह स्वाहा। दिव्या,
अंदर आओ ना। आप बाहर आई आंटी, बाहर जाना है। इस टाइम में हमारा बाहर जाना सही नहीं है, शर्मा आने के बाद चलते हैं। तुम अंदर आओ। मैं बाहर आने कह रही हूँ ना, आ जा। सब सर्वनाश हो गया, आत्मा का विनाश हो गया, तेरे बाबा मृत ही रह गए। मेरी बात ना मानकर तुमने अपने बाबा के नाम पर 17 पूजा की, आखिरी पूजा के लिए सिर्फ नाम ही नहीं प्राण भी आवश्यक है। आत्मा को लाकर दोबारा जीवित करूंगा, इसी घमंड से तुमने ये सब किया। अब क्या हुआ? सब सर्वनाश हो गया। नहीं गुरुजी, नहीं नहीं, बाबा को दिया हुआ वचन पूरा नहीं किया तो मेरा जन्म ही व्यर्थ है। नहीं टूटने दूंगा वचन, नहीं टूटने दूंगा गुरुजी। सृष्टि दृष्टि भीकर नरबलि संभाषिते। रक्ताक्ष, ऐसा मत करो। चंडवैरवी स्वाहा, मेरी बात मानो। ओम रक्त नेत्रिये, रुक जाओ। ओम रक्त कात्रिये, ओम चंद्राक्ष प्राण निष्ठाया पंचभूतात्मकम्। मम देहं समर्पयामि, मम प्राणं समर्पयामि, मम सर्वं समर्पयामि, आकाश तत्त्वात्मने जीवं समर्पयामि। चंडवैरवि आत्मसंतर्पण स्वाहा, चंडवैरवि आत्मसंतर्पण स्वाहा, चंडवैरवि आत्मसंतर्पण स्वाहा। चंद्राक्ष, तुम्हारे बेटे ने सृष्टि के नियम को बदल दिया, अपनी आत्मा का त्याग करके अपने पिता को जन्म दे दिया। मां चंड भैरवी, अच्छा बेटा दिया तूने, मैं धन्य हो गया। मां शर्भा, मां शर्भा, तुम्हें जाना होगा शर्भा, लेकिन मां के लिए नहीं, आकाश गंगा के लिए। Hey, मुझे छोड़ दीजिए गुरुदेव। शर्मा, मेरी बात मानो, तुम्हारे ध्यान को अपने लक्ष्य से भटकाने के लिए शैतानी शक्तियों ने यह काम किया है। पूर्णिमा के चंद्र पर राहु आक्रमण करके पूरी दुनिया में अंधेरा कर देगा, तब शैतान की शक्तियां प्रबल होगी, लेकिन उस समय तक कोई भी बलि नहीं चढ़ेगी और तब तक मृत्यु तुम्हारी माँ और दिव्या को छू नहीं पाएगी। भगवान ने जो जगह चुनी है वहां मंदिर बनना ही चाहिए, उससे पहले तुम्हें आकाश गंगा को लेकर आना होगा, लेकिन अगर गंगा धरती पर गिरी तो अपनी ताकत खो देगी, इसलिए शुद्धिकरण होने तक उसे संभाल कर लाना होगा। तुरंत प्रस्थान करो, अपना लक्ष्य नहीं भूलना शर्मा।
जयम मुक्तिनादम भजे श्रम्बकं भक्ति तत्व प्रभातम। मार्गे नयनोत्सवलिङ्गाकृति सङ्घे विश्वशक्ति विभु विजय विहङ्गे विश्वशक्ति विभु विजय विहङ्गे कुछ नहीं हुआ माँ। आकाश गंगा लाए? हाँ लाया हूँ माँ। लाए हो? चलो चलो भगवान का अभिषेक करना है। माँ भगवान को तुम अपने हाथों से शुद्ध करो। ओम गणे गंगा भिगाये नमः। ओम काम्याद बल प्रदायिने नमः। ओम नरसिंहाय नमः। ओम परम पावन्ये नमः।
नरसिंहाय नमः। ॐ सकल जन समुद्रिण्यै नमः। मृत्यु को जीत कर आई जिंदा लाश हूँ। इस सृष्टि को जीत कर फिर से पैदा हुआ मृत्युंजय हूँ मैं। अठारह शक्ति पीठों के सुरक्षा चक्र से बंधे अनगिनत प्रेत आत्माओं को मुक्त कराने वाला बलिस्थल यही है। इष्ट प्रेताया अपनी शैतानी ताकत से इस यज्ञ स्थल को बलिस्थल बना दो। को प्रतिष्ठित करो। आक्रमण करके इस लोक में जब अंधेरा कर देगा तब इस बलि कन्या को समर्पित करके शैतान ने साम्राज्य की स्थापना करनी है। मुझे मार डाला। मृत्यु को जीत कर अब जब भगवान पर दोबारा विजय पा रहा हूँ तू फिर से बीच में आ रहा है। नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा।
देह जिन आंखों से पति की मौत देखी, अब बेटे की भी मौत देख ले। चंद्राक्ष, बलि का समय हो गया। चंडनी स्तंभनी स्थूलकाय रूपिणी आवाहया। भगवान देख रहे हो ना, आंखें खोल के देखो। लक्ष्य को पाने तक साथ हो गए, ये मेरे पति का विश्वास था, लेकिन तुमने मेरे पति को ही छीन लिया। मेरे बेटे को भी मुझसे छीन रहे हो। भगवान, अगर तुमको चढ़ावा ही चाहिए तो उस दुष्ट के रक्त से अपवित्र हुए तुमको अपने रक्त से शुद्ध करती हूँ। मैं तुम्हें अपना जीवन देकर तुम्हारी स्थापना करती हूँ। तुम्हारी स्थापना कर। सारी सूरनी कपाल मालिनी आवाहया। जटा 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 प्रजटा प्रजटा बंद 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 घातया घातया। Bali, Bali, Thank you.
अक्ष नमदस्य इष्ट प्रीताय आवाहय आवाहय। शांति 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 ही हरि ही ओम।